सो है गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आ गया फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो कोई मतलब ट्यूटोरियल वगैरह नहीं है, आज भी ट्यूटोरियल वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं बस मतलब आज दिखाऊंगा मतलब मेरे ड्राइंग प्रोसेस, मतलब मैंने स्टार्टिंग में कैसा ड्राइंग बनाता था। अब धीरे धीरे मैंने ड्राइंग बनाना मतलब स्टार्टिंग में अभी ड्राइंग बनाना छोड़ दिया, जो कि बहुत गलत बात है। और इसके बीच में आपको एक मैं मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि टैटू फील्ड में ड्राइंग क्यों ज़रूरी होता है, ड्राइंग स्केचिंग बहुत ज़रूरी होता है अगर आप टैटू बना रहे हो तो। उसके लिए मैं बताता हूँ, तभी मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ, उसके बीच में आपको बताते रहूँगा कि ड्राइंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं अपने ड्राइंग स्टार्टिंग सिखाता हूँ। तो मैं यहाँ था, यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा, और मैंने स्केचिंग वगैरह सीखा नहीं है, मतलब किसी की क्लास नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरे को ड्राइंग में इंटरेस्ट था तो मैं यूट्यूब से देख के सीखा। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको सीखने के लिए, मैंने भी सब यूट्यूब से देख के सीखा था स्केचिंग वगैरह। आज मैं इस लेवल से समझ लो मैं एडवांस लेवल पर पहुँचने वाला था, बट मैंने स्केचिंग वगैरह रोक दिया था क्योंकि मैं टैटू फील्ड में आ गया था तो मुझे इतना स्केचिंग के लिए टाइम नहीं मिलता था। बट आप स्केचिंग के लिए टाइम निकालना ही निकालना। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ अपनी स्केचेस जो मैंने बनाई हैं। ठीक है, दिखाता हूँ, मैं आपको बेसिक्स दिखाता हूँ, मैंने बेसिक स्टार्टिंग में कैसा बनाता था, फिर इसका धीरे धीरे मैं कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, पहला ये है स्टार्टिंग में जब मैं बनाता था, इतना खास नहीं लगेगा। ये है आइज, ये है दूसरी आइज, देखिए आपको। और कलर ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, सही बोलते ना, कलर पेंटिंग में कलर में इतना अच्छा खास नहीं हूँ, बट जितना है उस लेवल तक बनाता हूँ। और ये गोकू का ड्राइंग बनाया था मैंने, ये भी इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट नहीं है, फ्लैश आ रहा है। और 3D बटरफ्लाई ट्राई कर रहा था मैं, इसको तो जानते रहेंगे आप, वैनम स्केचिंग है। और ये सलमान खान, इतना ख़ास नहीं लग रहा है बट चलता है। ये आप कमेंट करके बताना आपको ड्राइंग कौन सी अच्छी लगी, कौन सी नहीं, मेरे को बताना। ठीक है, ज़रूर बताना। डेडपूल, अब बाकी है पोर्ट्रेट ड्राइंग की। ये मेरे सब पोर्ट्रेट स्केच है सर जी। मैं ड्राइंग धीरे धीरे कितनी अच्छी होती आ रही थी, बट मैंने गलती कर दी थी, मैंने रोक दिया। बट आप मत करना ऐसा, आप कंटिन्यू करते रहना अपने ड्राइंग को, रोकना नहीं बीच में, जरा भी मत रोकना। और आप कमेंट करके बताना आपको कौन सी स्केच अच्छी लगी। ये 3D मतलब 3D बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहा था। वह मतलब एक क्यूब है, आप साफ सीढ़ी क्यूब खेलते ना, वह क्यूब है, वो पानी में ऐसा गिर रहे तो मैं बना रहा था मैंने। ये पोर्ट्रेट है फुल, और ये स्कॉर्पियन, ये मैं रियलिस्टिक ड्राइंग ट्राई कर रहा था। ये सब मैं जब स्टार्टिंग में सीख रहा था तब की पोर्ट्रेट ड्राइंग वगैरह ये सब। तो ये सब है, बाकी सब तो घूम गए मेरे से पता नहीं किधर। और सब मतलब मेरे में कॉलेज वगैरह में था तो कॉलेज वगैरह में मेरे फ्रेंड लोग ले लेते थे, और फिर कुछ कुछ मतलब जैसे भी मेरा घर बना था तो उसके बाद से कुछ कुछ स्केच यहाँ वहाँ चले गए मिलने। मैंने बहुत सारा बहुत लोग ने मेरे से मतलब मांग लिया कि मेरे को अच्छा लग रहा दे दो वगैरह, तो मैंने दे दिया था। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मतलब मैं अपनी सिर्फ ड्राइंग दिखा रहा था, मतलब था मतलब आपको दिखा दूँ कि ड्राइंग। और ये मत सोचना कि अगर जिसको ड्राइंग नहीं आती वो टैटू नहीं सीख सकता, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी टैटू सीख सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पे सीख सकते हो। सो कोई बोले तो ऐसा सुनना मत इसके बाद, मैं बोल रहा हूँ। मैंने बहुत से लोगों को देखा जिनको ड्राइंग अच्छी, जिनकी ड्राइंग अच्छी पर उनकी टैटू वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि मतलब किसी ने बोला नहीं कि अगर आपका ड्राइंग अच्छा नहीं है तो आपको टैटू नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बट ड्राइंग वगैरह ज़रूरी है, अगर आप नहीं भी आता आपको तो आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट लेकर ड्रॉ करने की कोशिश करो, धीरे धीरे करोगे ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ के लिए। तो आप प्रैक्टिस करो, हर चीज़ करो, और जिनको जिनको ड्राइंग आती है मैं उनके लिए बोलता हूँ, अगर आपने ड्राइंग वगैरह स्किप किया है तो आप कंटिन्यू करो उसको। आपको अपने टैटू को इस यहाँ से लेके इस लेवल से और ऊपर लेके जाना है तो आप कंटिन्यू करते रहो ड्राइंग से, स्केचिंग वगैरह छोड़ो मत। ठीक है, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना था, मैं सिर्फ दिखाना था, और कुछ कुछ पॉइंट है जो ड्राइंग के रिलेटेड है मैंने आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।